यार ये टीम है तो है क्या? ओबे कोई सोच भी सकता है कि 40 के ऊपर ऑल आउट होने के बाद इस वक्त इंडिया का बुरा हाल होना चाहिए, लेकिन न्यूजीलैंड का बुरा हाल हुआ हुआ है। माशी, प्रॉपर बदमाशी, बदतमीजी, गुंडागिरी, पंतगिरी, सरफराज गिरी, आपको हर लेवल की या बदमाशी दिखी है। इतना से आज सरफराज खान की अगर आप बात कर ले तो उन्होंने इतने शानदार 150 रन बोर्ड के ऊपर लगाए थे, इससे पहले उन्होंने इतनी हिस्टोरिकल इनिंग्स कभी नहीं खेली होगी। ऋषभ पंत और साथ में सरफराज खान ने क्या कमाल की जो नॉक्स खेली और इंडिया को एक ऐसी जगह पे ले आए थे वो। मतलब ऋषभ पंत ने जो 90 पे छक्का मारा है ना, वो प्रॉपर बदमाशी थी। मतलब सऊदी जो है उसकी शक्ल के ऊपर था, उसके एक्सप्रेशंस वो बता रहे थे कि वो क्या छक्का था, क्या स्वैग था उस छक्के में। सरफराज की 150 की बात करूं, अपने चौथे टेस्ट मैच में प्रेशर सिचुएशन में आके टीम साउथी मैट हेनरी, इजाज पटेल, रचिन रविंद्रा सबको टैकल करना और ओवरकास्ट कंडीशन में जो है वो टैकल करना, इट्स अ ह्यूज ह्यूज अचीवमेंट। इंडिया ने 350 में, आपको एक चीज बता दूं, टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री के अंदर इतनी बड़ी लीड खाने के बाद अगर कोई टीम जीती है तो अभी तक कोई जीती नहीं है। फिलहाल 291 था, 291 की लीड उतारने के बाद ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका का मैच था तो वो जीते थे। इस मैच के अंदर अगर इंडिया ने ये मैच जीत लिया, 350 की लीड एक न्यू रिकॉर्ड बन जाएगा इंडिया के लिए कि इतने ज्यादा लीड खाने के बाद इंडिया ने विक्ट्री हासिल कर ली। आज जो हमने बैटिंग देखी है दैट वॉज अनबिलीवेबल, दैट वॉज अनबिलीवेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आई ने न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों भारत न्यूजीलैंड के सामने पहला टेस्ट जो है वो जीते या ना जीते, लेकिन आज के जो मैच है, पहला जो टेस्ट है, उसमें दो भारत के नए बैट्समैनों ने अपना दिल जरूर जीता है। दोस्तों सरफराज खान जिन्होंने कि 195 गेंद में 150 रन ठोक डाले, जिसमें कि 18 चौके और 3 छक्के थे। अगर इनके स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो 76 की स्ट्राइक रेट थी। मतलब आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो सरफराज खान है वो अच्छे से खेल रहे थे। इससे पहले भी उन्होंने 200 मारा है मतलब घर पे खेल के, लेकिन यहाँ पे जो इंटरनेशनल मैच है उसमें 150 मार देना और वो भी न्यूजीलैंड के सामने, ये दिखाता है कि उनके अंदर काबिलियत कितना ज़्यादा है। उसके बाद ऋषभ पंत जो कि 105 गेंदों में 99 रन पे आउट हो गए, जिसमें कि 9 चौके और 5 छक्के थे। अगर इनकी स्ट्राइक रेट की बात तो इनकी स्ट्राइक रेट उनसे बहुत ज़्यादा थी, मतलब कि 94.29 की स्ट्राइक रेट थी। लेकिन आज ऋषभ पंत अनलकी रहे क्योंकि 99 पे आउट हो जाना, मतलब समझ सकते हैं कि उनके मेहनत जो है उस पर पानी फिर गया। अगर एक रन और बना देते तो आज उनका शतक भी पूरा हो जाता, लेकिन जिस तरीके से भारत ने खेला है उन्होंने पूरा दिल जो है भारतीय फैंस के जीत लिया। चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के इन सब चीज़ों पे क्या रिएक्शन है। ये टीम है तो है क्या? ओबे कोई सोच भी सकता है कि 40 के ऊपर ऑल आउट होने के बाद इस वक्त इंडिया का बुरा हाल होना चाहिए, लेकिन न्यूजीलैंड का बुरा हाल हुआ हुआ है। 400 रन करने के बावजूद न्यूजीलैंड की शक्लें उतरी हुई, रोने वाले हुए हैं। मैं इतनी श्योरिटी के साथ कह रहा था कि मैच इंडिया जीत ही नहीं सकती, ये मैच में इंडिया की वापसी हो ही नहीं सकती, न्यूजीलैंड जीतेगा, ड्रॉ होगा। और अब अगर आप स्कोर कार्ड देखोगे, जो बल्लेबाजी देखोगे, ऋषभ पंत उफ तौबा, क्या ये प्लेयर है, क्या शानदार ये प्लेयर है कि इसके बॉल लगी थी नी के ऊपर, दर्द तो उसको थी लेकिन वो आया, उसने बैटिंग की, स्ट्राइक रेट उसका 9800 के स्ट्राइक रेट से उसने जो बल्लेबाजी की, शानदार किस्म की बल्लेबाजी की। सरफराज खान जिसने आउटस्टैंडिंग 150 मारा, सेंचुरी नहीं मारा, बड़ा सेंचुरी मारा जो के सामने काबिले तारीफ है। इंडिया ने 350 में, आपको एक चीज बता दूं, टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री के अंदर इतनी बड़ी लीड खाने के बाद अगर कोई टीम जीती है तो अभी तक कोई जीती नहीं है। फिलहाल 291 था, 291 की लीड उतारने के बाद ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका का मैच था तो वो जीते थे। इस मैच के अंदर अगर इंडिया ने ये मैच जीत लिया, 350 की लीड एक न्यू रिकॉर्ड बन जाएगा इंडिया के लिए कि इतने ज्यादा लीड खाने के बाद इंडिया ने विक्ट्री हासिल कर ली। बदमाशी, बदतमीजी, गुंडागिरी, पंतगिरी, सरफराज गिरी, आपको हर लेवल की या बदमाशी दिखी है। मतलब इंडिया अब 82 पे है और सरफराज का विकेट 150 पे गिरा, 99 पे यार एक और हार्ड ब्रेक साला एक ही इनिंग्स के अंदर। मतलब ऋषभ पंत, रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्ड ब्रेक पे हार्ड ब्रेक, मतलब इट शुड हैव क्रॉस द 3 figures। मतलब ऋषभ पंत ने जो 90 पे छक्का मारा है ना, वो प्रॉपर बदमाशी थी। मतलब सऊदी जो है उसकी शक्ल के ऊपर था, उसके एक्सप्रेशंस वो बता रहे थे कि वो क्या छक्का था, क्या स्वैग था उस छक्के में।
सरफराज की 150 की बात करूं, ऋषभ पंत की 99 की बात करूं, इस 150 और 99 ने इंडिया को एक ऐसी पोजीशन में ले आए हैं कि 82 for 6 हो चुका है इस वक्त। केएल राहुल ने डिसअपॉइंट किया, हालांकि आखिरी चार बॉलें रह गई थी टी तक, आप उस पर रुक जाते हो तो टी में जाके आपको दोबारा रीअसेस स्ट्रेटजी करने का मौका मिलता। अब ये कहानी आ चुकी है जडेजा और अश्विन पे। अब जडेजा और अश्विन के पास 82 रन हैं और ये आखिरी का 1.5-2 घंटे की क्रिकेट रह गई है। इंडिया को आज कुछ भी करके, मतलब एक तो मदर ऑफ ऑल कमबैक्स तो इन एनी वेज हो ही गया है, क्योंकि वो 46 इज नाउ द पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। एक टीम ने 46 पे ऑल आउट हुई, 356 की लीड ली, अब 356 की लीड उतार के 82 की लीड चढ़ा दी है। मतलब ये तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि इंडिया इस तरह का कमबैक करेगा। अब जान आ चुकी है, अश्विन और जडेजा दोनों पूरे बॉलर हैं, दोनों पूरे बैटर हैं, प्रॉपर ऑलराउंडर हैं। अब इनके ऊपर ये डिपेंडेंट है और जो ग्रिट है दोनों की, रिजिलियंस है कि आप दोनों पे भरोसा रख सकते हैं कि ये दोनों, ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बन जाएगा और बनना भी चाहिए क्योंकि ये खेल रही है। हर मैच के अंदर इंडिया सोचता है कौन सा नया रिकॉर्ड बनाया जाए। इस दफा इनके माइंड के अंदर आ गया होगा कि पहले जल्दी से आउट होते हैं, उसके बाद फिर ऐसी बल्लेबाजी करेंगे कि कौन नया रिकॉर्ड आ जाएगा। और यार देखो तो सही, आज जब इंडिया आया था ना बैटिंग करने, इंडिया पे प्रेशर था, कंडीशन पहले दिन जैसी थी, बादल आसमान पे थे, बारिश होने वाली, बारिश हुई भी। हुआ क्या, इंडिया का ऋषभ पंत आया, उसने अटैकिंग क्रिकेट खेली सरफराज खान के साथ, जिसको कहते हैं मिलकर उसने शानदार बल्लेबाजी की, रुके नहीं दोनों, प्रेशर में थे, हालांकि कोहली आउट हुआ था, उसके बाद प्रेशर उन्होंने न्यूजीलैंड पे डाला, बारिश होगी, फिर इंडिया में प्रेशर था कि बारिश के बाद दोबारा से वो वाला हाल ना हो जाए, लेकिन उसके बाद तो इनका बल्ला रुका ही नहीं ना। ऋषभ पंत ने मार मार के भरता बना के रख दिया, फिर एट द एंड सरफराज खान आउट भी हो गया 150 करने के बाद, शानदार। मैं समझता हूं कि वन ऑफ द बेस्ट नो इसने अपने करियर की खेल ली, पहली इसकी करियर की सेंचुरी थी और इसने आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी की है। तारीफ इस प्लेयर की बनती है क्योंकि ये लड़का यंग था, इसको मैच में चांस मिला, इसको तो ये कंफर्म नहीं था कि खेलेगा कि नहीं। शुभमन गिल बाहर हुआ नेक में पेन की वजह से, तो इसको टीम में लाया गया, तो इसने प्रूफ करके दिखा दिया, अब इसको निकाला नहीं जा सकता। ये बहुत बड़ा प्लेयर है, जितना इजी होकर खेलता है वो अभी भी दुखी था, क्योंकि 200 मार सकता था। दूसरी तरफ ऋषभ पंत के बारे में मैं क्या बोलूं यार, ये तो बंदा बना ही, जिसको कहते हैं ना, ये टेस्ट क्रिकेट में उसने चेंज करके रख दिया है। बेसबॉल कुछ नहीं है। आप इंडिया का रन रेट तो देखो, जरा इंडिया का करंट रन रेट देखो, आपको पता चल जाएगा बेसबॉल क्या चीज है। बेसबॉल कुछ चीज नहीं है, इस ऋषभ पंत ने टेस्ट क्रिकेट को चेंज करके रख दिया जनाब। ऋषभ पंत ने क्रिकेट को चेंज कर दिया, इसने 107 मीटर का छक्का मारा है, स्टेडियम पार कर दिया था बॉल इसने टीम साउथी को, जिसने उससे पहले सरफराज खान को आउट किया। इसने क्या पिक किया, फास्ट बॉलर को टांग पे बैठ के इसने, जिसको कहते हैं ना, डीप मिड विकेट का छक्का मारा, होश उड़ा के रख दिया इसने, के इवन के कमेंटेटर क्राउड के तो रंग उड़े ही उड़े, जो न्यूजीलैंड के फील्डर्स है ना, यू देख रहे हैं शोक होके रह गए, केएल राहुल की 32वीं अंदर के अंदर रहेगी। तो दोस्तों, जैसे आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो काफी ज्यादा तारीफ जो है सरफराज खान और ऋषभ पंत की तो कर ही रही है, लेकिन केएल राहुल और रविंद्र जडेजा जो कि जल्दी आउट हो गए, अगर वो यहाँ पे भी आउट नहीं होते तो भारत जो कि लगभग 150 से 200 रन तक तो चले जाता, लेकिन फिर भी अब कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि 10 विकेट तो भारत की गिर गए हैं और न्यूजीलैंड अब खेलने आ ही गई है। लेकिन अगर ये भारत टेस्ट मैच हारता भी है, लेकिन जिस तरीके से बैटिंग हुई है, जिस तरीके से 46 ऑल आउट होने के बाद इतने रन मारे हैं, वो दिखाता है कि भारत कमबैक कितना अच्छे से कर लेता है। अब टाइम की वजह से भारत ये मैच जीत पाए या ना जीत पाए वो अलग की बात है, लेकिन भारत ने बहुत अच्छा कमबैक किया और ये बात पूरी दुनिया में हो रही है और पाकिस्तानी मीडिया तो जम के तारीफ कर रही है। और उसका ये कहना है कि भारत ने आज जिस तरीके की बैटिंग कर दी है, उन्होंने दिखा दिया है कि भारत में जो सीनियर प्लेयर हैं वो तो खेलते ही अच्छा है, चाहे किसी का दिन अच्छा हो ना हो, लेकिन जो जूनियर प्लेयर हैं, जो अभी नए प्लेयर आए हुए हैं, वो इतना अच्छा खेलते हैं कि उनको देख के जो है वो लगता है कि कितने दिनों से इंटरनेशनल मैच खेल रहे हैं, जो कि सरफराज खान को देख के ये लोग बोल रहे थे। तो दोस्तों, बस आज के वीडियो में इतना, आई थिंक आप लोग को वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक और चैनल आईने न्यूज को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस न्यूज से, तब तक आईने न्यूज़।